हाँ मैं काफ़ी कर दिया हूँ, काफ़ी दूर पहुँच चुका हूँ, यही होती है स्पिरिचुअल ईगो। बचकर रहना स्पिरिचुअल ईगो से, निरंतर स्वाध्याय ध्यान सज्जन संगत करते ही रहना, तो स्पिरिचुअल ईगो की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ध्यान कम हो गई, स्वाध्याय कम हो गई, सज्जन संगति कम हो गई, तो स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। कई लोगों को आ चुकी है, मेरे साथ 30 साल थे, फिर भी उनको स्पिरिचुअल ईगो आ गए, मेरे से बिछड़ गए 30 साल की साधना के बाद। मेरे साथ ऐसे अनगिनत लोग हैं। ये तो स्पिरिचुअल ईगो तो होती है, होती है, इस कारण कि हम ध्यान को आगे नहीं बढ़ाते हैं, स्वाध्याय को आगे नहीं बढ़ाते हैं, सज्जन संगति को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हर रोज ये तीनों का महत्व होना ही चाहिए। अगर आप योग भ्रष्टता से बचना चाहते हैं तो भगवद गीता में श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछी, अगर कोई आदमी योग भ्रष्ट हो जाता है उसका क्या अंजाम होता है अगले जन्म में? और कृष्ण जी कहते हैं कुछ भी नहीं होता है, वो अमीर के घर में जन्म लेता है या योगियों के घर में जन्म लेता है, फिर आगे बढ़ता है और योगी बन जाता है, एक जन्म और लेता है वो योग भ्रष्ट। तो किसी का स्पिरिचुअल ईगो आ गई तो और एक जन्म है उसके पास, बस उतना ही होता है। इस आनंद काल में एक जन्म तो क्या बात है, कुछ भी नहीं है।